गाइस वेलकम टू एचएस टेक जोन। तो दोस्तों फाइनली शोमी की तरफ से कंफर्म हो चुका है MIUI 12। अब दोस्तों ये कब लॉन्च होने वाला है ग्लोबल तौर पर, तो ये भी मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों बताने वाला हूँ आपको वो पूरी लिस्ट जिनको मिलने वाला है MIUI 12 का स्टेबल अपडेट, और यहाँ पर ये कब तक मिलेगा आपको इंडिया में और कब ये ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों शोमी की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जो MIUI 12 लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी ग्लोबल तौर पर, और ये चाइना में पहले ही लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर जो MIUI की तरफ से ऑफिशियल एक ट्वीट आया है जिसमें बताया गया, ये पोस्ट किया गया है एक इमेज को, और यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं जिसमें बताया गया कि आपको इसमें ये जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपको फर्स्ट रो में देखने को मिलती है 3 सर्कल, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है 30, यानी कि ये एक एक जो गोला है ये है 10-10 का। उसके बाद में यहाँ पर ये आया था सेकेंड नंबर पर, तो ये 10 का ये हो गया, और बाकी बचे यहाँ पर 16 में से 6 बचे, तो यहाँ पर ये 3 दिन के 2 हो गए जो छोटे छोटे ये जो कार्टून है। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्राइंगल है और एक ये कार्टून है, तो यहाँ पर ये 3+3+3, तो यहाँ पर ये 9 आंसर हो जाता है। अब जो लास्ट में आंसर बताया गया कि इसका आंसर देना है आपको जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आप लास्ट रो में देखेंगे यहाँ पर है सर्कल प्लस कार्टून और मल्टीप्लाई बाई ट्रायंगल, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन 3 3 9 और ये 10 यानी कि 19, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो है यहाँ पर 19। तो यहाँ पर दोस्तों जो MIUI 12 है ये ग्लोबली लॉन्च हो सकता है 19 मई को, और यहाँ पर जो बाकी लोगों ने भी आंसर यहाँ पर ये 19 मई ही दिया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। अब दोस्तों ये तो बात होगी यहाँ पर इस अपडेट के बारे में कि ये अपडेट है वो ग्लोबली कब लॉन्च होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों उन डिवाइस लिस्ट के बारे में जिन्हें यहाँ पर ये अपडेट मिलने वाला है आपकी डिवाइस में। अगर दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर शोमी की डिजिटल सीरीज से, तो यहाँ पर ये शोमी का MI 10 Pro, MI 10, MI 9, MI 9 SE, MI 9 Pro, उसके बाद में MI 9 Lite, MI 8 Pro, MI 8 और MI 8 Lite, तो इन्हें यहाँ पर ये अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद में आया था शोमी की CC सीरीज, तो यहाँ पर शोमी CC 9 Pro, MI जो Note 10 है, उसके बाद में शोमी CC 9, शोमी CC 9E जो MI A3 है इंडिया में। उसके बाद में यहाँ पर ये शोमी मिक्स और मैक्स सीरीज आ जाती है जिसमें आता है MI Mix Alpha, MI Mix 3, MI Mix 2S, MI Mix 2, MI Max 2। उसके बाद में यहाँ पर पोको सीरीज में आता है Poco F1 और Poco X2। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर Redmi फ़ोन की, यहाँ पर आपको Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 S और Redmi Note 9, इन चारों में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो Redmi K30 है जो Poco X2 बन गया है इंडिया में, उसे भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा MIUI 12 का। उसके बाद में जो Redmi K20 Pro जो MI 9T Pro है, उसके बाद में जो Redmi K20 है जो MI 9T है, इन्हें अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं जो Redmi K20 Pro और Redmi K20 जिनके पास भी है वो इंडिया वाला जिनके पास भी है, तो यहाँ पर आप जो बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं इन दोनों ही डिवाइसों के लिए, जिसके मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8T, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A और Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi Note 5 Prime, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2 यानी कि Redmi X2। उसके बाद में यहाँ पर Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro, MI A2 Lite, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4 और Redmi Note 4X, और एक और डिवाइस है जो है Redmi 4 और Redmi 4X। तो इन सभी डिवाइसों का यहाँ पर जो अपडेट है वो MIUI 12 का देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके लॉन्च के बारे में। दोस्तों बता दो जो 19 मई को तो ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है जो MIUI 12 है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा 19 मई को, तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जून महीने के दौरान ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जून लास्ट या फिर जुलाई महीने में यहाँ पर जो अल्फा रोम्स होती हैं इंडियन यूजर के लिए वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद बीटा आ जाएगी, उसके बाद बीटा स्टेबल और फिर स्टेबल वर्जन आप सभी को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो अपडेट मिलने वाला ये मिलेगा शेड्यूल में, तो यहाँ पर 3 शेड्यूल रहने वाले हैं, तो मैं उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि कौन कौन से डिवाइस कब अपडेट मिलने वाला है
और साथ में एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि किन डिवाइसों को यहाँ पर जो MIUI 12 के साथ में एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास वाली बेल आइकन पर प्रेस कर देना है ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।